नैतिक पतन का सहारा बना। सत्रह जनवरी सन 86 गए कहनिया जिला जौनपुर के निशान मछली सहरिया केराकत तहसीलिया में घटी एक घटना विशाल। सत्रह जनवरी सन 86 मछली शहर जौनपुर से पश्चिम हो, केराकत जौनपुर से पूरब हो, दोनों तहसील जौनपुर में हो। अरे कामिनी कामिनी एक सुहागन का सौदा हुआ, कामिनी एक सुहागन का सौदा हुआ, सौदा वाला सिपाही मचल में लगा। चलने लगा खास मछली शहर का रहा लाडला, खास मछली शहर का रहा लाडला, कामना उर में पागल उछलने लगा। कर्रा का स्कूल के रागत में चकवा नारायणपुर एक गांव सराफत में घरे घनेर ठाकुरों की बस्ती निराली चमकी वही शादी की घटना जिसने दर्द ढाली। ठाकुर उसी गांव के मछली शहर में जाके लड़की की शादी ठीक किए पर मिला मुस्का के। निगलने लगा धन के लोभी धर्म से भी मुख हो रहे, धन के लोभी धर्म पैसा में फंस के उबलने लगा, धर्म पैसा में फंस के उबलने लगा, धर्म में फंस के उबलने लगा, उबलने लगा, उबलने का हल्ला कर पास कह चुकल हो। दो साल पहले ही से लड़का बीए पास करके बैठल हो, घर पक्का, खेत पंपिंग सेट ट्रैक्टर सब कुछ एक ही लड़का, और वो भी बीए पास करके बैठल हो। लड़की वाला पता लगावत लगावत जब पहुंचल वहां
लड़का के बाबू से मिलल और अपने लड़की के फोटो ले गए देखौलन। तो लड़का का बाबू कहे भैया फोटो से काम नहीं चली, फोटो तो बहुत जने देखावलन बढ़िया और मड़वा में लड़की बदल देलन। तो लड़की हम चल के खुद देखब। ठीक हो आप चल के लड़की देख ले, लेकिन और जौन कुछ बातचीत बीच वाला हो ओके तय तमाम कह ले, और बात चल के लड़की देख ली है, अगर मन बैठी तो शादी करी है, न कोई जबरदस्ती रही बात। तो देखे पंडित जी के बुलवा ला और जौन कुछ मांगे जाचे को बता दा और शादी तय हो जाए। एक दिन चल के लड़की भी देख ली है, तर्ज वही हो। अरे लड़की तू आपन दिखा दा शादी हो जाई भैया, पहले परिया दा शादी हो जाई भैया, पहले पहले परिया दा शादी हो जाई भैया, खिचड़ी पले बाबू कर साचिलिया, मुकर साचिलिया, मुकर साचिलिया, गहना गढ़ाता शादी हो जाई भैया, समय के अनुसार लड़का के बाप बहुत कम मंगलन। 10,000 तिलक, एक ठे खिचड़ी पर राजदूत गाड़ी और लड़की के सब गहना दे दा शादी हो जाई। ठीक भैया। लड़की के बाप मंजूर कह लड़की ठीक हो हमें मंजूर बाय। अब पंडित जी देखा पत्रा दिन रख दा शादी का तो 15 मई के दिन भी धय गई, लेकिन लड़की देख ले तब अतवार का दिन पड़ गल के लड़की आके देख ला। लड़की के बाप चले लन, जब लड़का का बाबू तैयार भेल ना लड़की देखे बदे तब लड़कवा अपने बाबू जी से पूछत बाकी का बाबू कहाँ जत हुआ। कह बचवा आज का दिन धय के वो लोग गर्ल हो जाते तुम्हारा दुल्हन देखे। वो कहे कि बड़ा मुश्किल के बात बाय, कहो ब्याह हुई हमारा दुल्हन देखे जी बा तू। तो कहे अरे भैया तुहार का मतलब हो, कहे हमारा मतलब ये है कि कहेला छोकरवा पिताजी से अपने हो, तुहरा से कहिला ती घर मोरे बाबूजी, तुहरा से कहिला ती घर गांव को मनई जुड़ गए समझावे लगलन कि भैया ऐसा तो केहो के लड़का नहीं अकेले बन। वो कहे केहो के लड़का से हमसे मतलब नहीं बा, हमसे अपने दुल्हनी से मतलब बा। हम कौन खराब काम करे जात नहीं है, दुल्हन के जाप देखब उसे दुई चार बात करब, हमारे मशरब में बैठी तो ब्याह करब नहीं न करब। तू लोग बिला वजह परेशान हुआ, कहो जीवन भरे का संबंध हो जात हो, क्यों हाड़ी खरीदला तो ठोक ठठाए के लेला।
हमार जीवन भरे के सौदा हो जात हो। गांव वाला समझावत हूँ भैया पढ़ने लिखले में यह फायदा बा है, चार जने समझावत हूँ तो मनते नहीं हुआ, तो एक तर्ज हो बाबा डाल गनाना तेहुरा मत दे जबो तेहुरा मत दे जबो बलमुआ कैसे दे जबो छोटी ननी बलमुआ कैसे के बात है नहीं मानत बा। तब ले लड़कवा के माई घर में ले निकल के चली अइली। वो कहथिन का तू लोग समझावत हुआ हमरे बेटुआ के, इतना पढ़े लिखले बा तो लोग के समझौले के मान बा, बीए पास कइले तो ठीक कहत हो। वो जाए कहत बा अपन मेहरारू देखबे तू लोग काहे रोकत हुआ, जाए दो के देखे दा, देख ले प्रसन्न कइले। हम हने के कबो जिंदगी में ताना तना ना मारी के हमार बहु भाई फंसा देलन। जब बचवा था देखिया कादे से देखिया, सब गांव वाला कहना भैया इनके माइया कराए बाय, चला सब लोग अपने अपने घरे चल जाए। उनकर बाबू कहे कि भैया एक बात हमरो सुन ले जा लोगन, आज से नया मालिक बना देते, ये जौन चाहे तौन करें, लेकिन दुल्हन देख के जब लौटिया तो 40,000 के ट्रैक्टर उधारे बेच दे ले, और वह से लौटिया तो मछली सर उनसे तगादा करके पैसा मांग लिया, अब आज से सब काम तोरे जिम्मे हम छोड़ देते। एक काम करे कि तू दुल्हन देख के आईहा और तुहार माई जी ब्याह करा बदे हम न जा, तुहार माइया मलकिन बन गए कूद के, तो यह जही ब्याह में ठीक है बाबू जी तू आराम करा सब काम हम देख लें। तो घरे से चलन खूब ठाट बाट से बढ़िया कपड़ा पहन लेलन, घड़ी लगा लेलन, चश्मा लगा लेलन, बैग दबा लेलन, अब ससुरारी जाते दुल्हन देखे बदे। लेकिन पहले वो पहुंच गेलन जहाँ ट्रैक्टर आदमी ले गल है उधारे उखरी के बाबू भेजलन है और पैसा दे दा। चला भैया हम तो जुहत थी मछली शहर बैंक में ले जाके 40,000 रुपया नगद कैश उन्हें निकाल के दे देलन। वो गलती कैलन, 100-100 रुपया के खूब बढ़िया हरियर हरियर नोट पौलन, बैग में रख लेलन 40,000 रुपया, घरे नहीं पहुंचौलन, ससुरारी लेके जात हो काम। एक तर्ज हो, एक दुल्हन याद कर ले के अरे बहुत दिन से लागल माया सरवाए देर बाबा, अरे कहिया खुलिया भैया।
छली शहर से बाबू जौनपुर में अइलै, देव गांव वाली बसिया जौनपुर में धइलै। तपसिया में पीछे बैठे डाकुटा डरवा रहिया गड़बड़ भइले, अरे आगे बैठा ठाकुर कुमार रहिया गड़बड़ भइले। मछली शहर से जौनपुर तक तो नहीं हिसाब किताब बैठल वो डाकुअन के। अब लड़का उतर के दूसर बस बदल ले, जौन की जौनपुर से आजमगढ़ आवे वाली बस देवगांव। अमन बैठल आगे, सीट मिल गल ड्राइवर के बगल में, बैठल अपन बैग को लेके, और डाकुअन के पीछे वाली सीट मिल गई, सब पीछे बैठल। गाड़ी खुलल, कंडक्टर साहब पूछलन भैया आप लोग कहाँ जाइए, कहाँ का टिकट बनी। एक डाकू बोलल कि भाई हम लोग सोचत समझे थे कहाँ उतर ले ठीक पड़ी, और लोन के टिकट बनावा बाद में मिली है, किराकत डाक जाए तो भेंट करिया हम लोगों से। जब किराकत डाक गए तो फिर एक थे, हाँ सबका टिकट काट के वो कंडक्टर साहब वो डाकुन के पास आई लन। टिकट मांगता कंडक्टर तपले सीना जोर, अरे आगे बैठा माता बनाई टिकट कटाई है मोर। हम ना जाने, हम ना जाने बाबू बोले किशोर, 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 हम ना जाने बाबू बोले किशोर। कहे भैया कहाँ जइबा आप लोग टिकट कटा ला, अब तक किराकत ढक गिला ना। कह वह जा ड्राइवर के बगल में जो चश्मा लगा के बैठल हुआ वह हमर मालिक हमने का, उनसे कह दिया कि जहाँ का टिकट अपन ले ले हुआ वही ठन का हम लोग कटा ले हैं। और लड़का कहला कि भैया हमारे साथे क्यों नहीं, हम अकेल है। जब लोग मजाक करत हुन तो फिर दोबारा कंडक्टर गई लन और तर्ज बदल गल, तर्ज आ गल कि कहाँ जइबू चिड़ई, अरे नजरिया लड़ाई के कहाँ जइबू चिड़ई, नजरिया लड़ाई के कहाँ जइबू चिड़ई, नजरिया लड़ाई के कहाँ जइबू चिड़ई, कोमल चल जमाने बाला चुभा के कहाँ जइबू चिड़ई, नजरिया लड़ाई के कहाँ जइबू चिड़ई, नजरिया लड़ाई के कहाँ जइबू चिड़ई। कंडक्टर साहब जाके वो डाकुन से कहत हुन कि कहाँ जाई बाबा टिकट कटाला, कहाँ जाई बाबा टिकट कटाला, कहाँ जाई बाबा टिकट कटाला, कहाँ जाई बाबा। डाकुन में सरदार जो रहे सबसे तगड़ा खूब मौज सोच रख ले रहे, वो कहा था एक बार कह देवल की जाओ नहीं के लगी, उनसे कह दिया कि ड्राइवर के बदले जो बैठा ललनवा, ड्राइवर के बदले जो बैठा ललनवा, जरिया में ले ले बसारा खजनवा, जरिया में ले ले बसारा खजनवा, जरिया में ले ले बसारा खजनवा, कह दिया कि हरियर हरियर नोट जोन बिगिया में रखले हुआ 100-100 रुपया वाली गड्डी वो भेजलन है तोरे सतवें आवत हुन वो लोग मछली शहर से, और वही में से निकाल के टिकट कटाला।
और जहां जाइए वही हम लोग चल जाये बता दिया। लड़का लगल कहां पे डर के मारे कि हमरे रुपया के था वो सब पागल लेकर माने की सब डाकू होने और सब देखा थे बड़ा तगड़ा तगड़ा बात। ड्राइवर साहब पूछे उनके बच्चा कहा बात कहे कि बाबू हमारे पास कुछ रुपया हो सब छीने बदे चलल हो कहाँ जेबा और कहाँ से आवत हुआ तो बतावत हो एक तर्ज हो हवाई जहाज से पलटनिया मन अब गोरी ले ले हो हवाई जहाज से पलटनिया मन अब गोरी ले ले हो गोरी ले ले हो एक झूलनी रंग से ले ले हो ड्राइवर से लड़का बतावत बा मछली सहरिया से पीछा कैले बाणे तही बचाई लेता हो अरे मछली सहरिया से पीछा कैले बाणे तही बचाई लेता हो बचाई लेता हो मर्जी रवा चंडाल से बचाई लेता हो करा के पजरवा नारायणपुर जेबे छोड़ाई लेता हो छोड़ाई लेता हो करा के पजरवा नारायणपुर जेबे छोड़ाई लेता हो ए डकुआन के जाल से छोड़ाई लेता हो भैया। ड्राइवर कंडक्टर से कहने कि भाई देखा ही लड़का खतरा में बाय तू जा वह सब डाकुओं से कह दा कि भैया टिकट कटा ला और नहीं गाड़ी हम रुकवा के सीटी बजा के गाड़ी रुकवा दे और तोरन के उतार दे बहुत मजाक कैला। वो लड़का बेचारा दूसरे तोरन के संगे नहीं हो दूसरे जगह जात बा तू लोग पता नहीं कहाँ जेबा वो तो रुवत बा और तू लोग की हंसी सुझल बा टिकट कटावा नहीं तो हम गाड़ी रुकवाई। एक डाकू बिगड़ गए कि गाड़ी रुकवा के तू उतार देवा तोरे हिम्मत हो हमने उतरल जाए तो गाड़ियों ही खड़िया रह जाए मारे जाए चारों पहिया पंचर हो जाए मैंने चुपचाप जहां चलत हुआ चला लेके। तो ड्राइवर साहब बतौल रहे कि तू वहां से सब सीटी देवा तो गाड़ी धीमी कह के अरे लड़कवा के धीरे से उतार दे अब वह समझने के लिए चल के कुछ दूर छोड़ लेकर पैसा बच जाए जानो बच जाए। और यही भैल कि जब वो सब अकड़े लगलन तो कंडक्टर सीटी बजौले और ड्राइवर धीमी धीमी गाड़ी कह के ओके उतार दिलन और बता दिलन रास्ता की वह चक्रवर्त पकड़ के चल जा जहाँ तुम्हें जाए के हो नारायणपुर गांव है हो आगे उतरल गाड़ी खुल गई। अरे बसिया से उतरी फरार भइल है वही बसिया में डाकू बुखार भइल है वही बसिया में डाकू बुखार भइल पूछत ससुर का नाम चलले पराई पूछत ससुर का नाम चलले पराई होवे वाली दुल्हन गइल राह में भेटाई पढ़ के जात वाली दीदार भइले वही बसिए में खुखार भइले देखे संजोग लड़कियां कर्रा कॉलेज से पढ़ के घरे जात रहे और ये बेचारू बेग दबौले चश्मा लगौले खूब ठाट बाट से हाली हाली भागल चल जात हो और वो लड़कियां भेटा गल रास्ते में पूछत हो जरा सा बहन जी सुनो सुनो वो लड़की घूम के देख ले तो सुन ले कोई परदेसी आदमी हो खूब ठाट बाट से जरा हमें रास्ता बता दो अभी नारायणपुर कितनी दूर है। लड़कियां कह रही थी आदमी एकदम नया हो अनजान हो नारायणपुर में हो पूछा तो नारायणपुर कितनी दूर है
कहे भाई आप नारायणपुर में, आप कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ? कहे हम बाबू भरत सिंह के यहाँ जाओ। तो लड़किया के पिताजी का नाम भरत सिंह रहल, और थोड़ा संकोच भी हो गई कि कोई रिश्तेदारी में कहमरे हो और बाबू जी का नाम पूछत भाई। तो आप भरत सिंह के जी हैं, चले हम वही गांव में चले थे, पहुंचा दे आपकी। कोई रिश्तेदारी है उनके यहाँ? कह रिश्तेदारी हो नहीं होए वाली हो। कहा होए वाली भैया? कहे कि हमारी शादी होने की लड़की से ठीक हो गई। तो तू कहाँ जात हो, शादी में ठीक हो ना? कह जाते दुल्हन देखे, दुल्हनिया समझ गई कि हमार दुल्हावा बा हमें के देखे जात बा। छिपाए ले उसे बतौलस नहीं कि हम नहीं घरे कही आओ नहीं के लड़की है या तुम्हार दुल्हन है। वो पूछा तो कि आप बहुत घबरायल मालूम देते हुन। अरे अब तो करीब पहुंच गए हुन, वो पक्का वाला मकान हो देखा, और आप इतना घबरायल गए हुन। तो बताओ तुम कि जैसे रोज आवे लू तू ढेर सुन के आई भोरे नदिया दुल्हा दुल्हन से कहत बा कि जनवा बचाला बहनी मोर पपिया पीछवा लगल बल जोर पपिया। दिल में दर्द पैदा हो गया कि हमार दूल्हा खतरे में बा, एके कहीं डाकू को छेकले भला मरलन नहीं। हाली हाली लिया के दरवाजे पर जब पहुंचल है तो संजोग बस बाबूजी दरवाजे में भेटा गेलन। धीरे से वो लड़की जाके बतौलस कि बाबूजी ये आदमी हमसे रास्ता में भेटायल है और आपका नाम लेके पूछत रहल कि उन्हें घरे जाब, और इनके कहीं डाकू छेकले रहलन है। बाबू साहब वो लड़किया के बार जब घूम के देखल तो पहचान गई लेन कि यही लड़कवा से लड़किया की शादी ठीक कैले ही कैसे चली लेन। तो लड़किया की सारा देते हुए चल जो घर में, तब ओके पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारे दुल्हवे हो। घर में गई लेकिन दहने बाएं हर भर से लखल करत हो कि शादी कैंसिल करे आल हो, उनकी डेट बढ़ावे आल हो, काहे चली लेन। सब बात उनके सुनल करत हो छिप छिप के। अब बाबू जी एक बल्टी पानी ले लेन, लोटा ले लें कि बचवा हाथ में धोआ तो कैसे चली ला। कह बाबूजी संजोग लियाल का बताई चली ली, तो संजोग लियाल चली ली। अच्छा ठीक है डरा मत, अब पहुंच गए हुआ कायदे से, डरा मत हाथ में धोआ। और उधर गाड़ी जब 2-3 किलोमीटर आगे पहुंचल है तो एक डाकू देखले तो कलस गिर आए तो ड्राइवर बाबू के हटा दिले उतार दिले, मेरा नुकसान के लिए कुल दोनों मिला। एक थे ड्राइवर के पिस्टल लगे से, एक थे कंडक्टर की, कि दोनों के मम्मा लोग जान मारना बल जाए। 40,000 रुपया का नुकसान कैला है के दे, तू देवा की दे है बोला ने मारल जी धाय छोड़ जी का, और नहीं तो ले चल के गाड़ी जहाँ होके उतरला उठे घुमाओ जल्दी से उतार हमने की। बस में जितना पब्लिक बैठल बान सब कहते हैं भैया जल्दी से घुमावा उतारा है लोन के, नहीं गोली छूटल देखा कि तुझे फालतू मर जा। सैदपुर में डाय गोली छूटल जगह मारे गए तो बचल गए, दूठे खुमचा वाला मर गया बेचारा। हाँ तो भैया हो जल्दी घुमावा गाड़ी ले चल के उनको उतारा जहाँ का है। गाड़ी घुमल वही चक रोड पर उन्होंने जाके उतरलन, तब जाके वो दोनों जने के जान बचल। अब वही चक रोड पकड़ के वो सब जाते हैं, पूछते एक थे हरवाहा भेटा गए, उनसे पूछे तो भैया कोई बेवकूफ तो बोले चश्मा लगोले गए यार साफ सुथरा कपड़ा पहन ले रहे, तो हरवाहा बता दिले
कि हमारे गांव के बाबू साहब के लड़की रहल है, पढ़ के जाते वही के संगवा, वो आदमी गयल है, बेग दबौले रहे, चश्मा लगौले रहे करिया रंग का। तो भैया वो पूछत बा कि बाबू साहब का नाम का, जेकर लड़किया के संगवा वो गयल है, बाबू भरत सिंह नाम। आराम से पूछत पूछे डकुओ कुल पहुँच गईलन, और देखत हुआ कि दलाने में बैठ गया, मुँह धोत हुआ। ये सब जब पहुँचलन है तो भीतर से लड़कियों देखत बा कि डकुआ आ गया कुल, और इनका हाथ मुँह धोआ बंद हो गए। ये उन्होंने की ओर ताकत हुआ, डाकू उनकी ओर ताकत हुआ, एक तर्ज हो। चढ़ता फागुन जियावा जर जइले हो, मोरा सजना कन्हैया बिसर जइले हो, मोरा सजना बिसर जइले हो। बाबू साहब के बोलो जरा आप इधर आवे। उनके घर के बगल में दीवाल की आड़ में ले गई लन, खिड़की हो, खिड़की के पास खड़ा होके उन्हें डाकून वाली धौंस देत हुन, कहतुन देखा ये लड़का के संगे हम लोग मछली शहर से आई ली, और एकरे पल्ले रुपया हो, रुपया ले बदे हम लोग आई ली, इन्हें जल्दी से चाह पानी करा के छुट्टी देता। और कोई तरह अगर मदद करे चाह तो वो बता दा, हम लोग चल जाइए। लेकिन 8 दिन के अंदर ये कसर तो हसे लेवल जी। बाबू साहब कहे भैया ये लड़का से अपने लड़की का हम शादी ठीक कर ले, अब जाए आप लोग हमारे तरफ से क्षमा कह दा। मैं कि हमने क्षमा तो कही देवल जाई, लेकिन हमने एक बतिया गौर करा जरा, ऐसा लड़का तुम्हें मिल शादी करे बदे लड़की की नालायक, बिना बियाहले ससुरारी चली आयल, अब मैं तू यही से ब्याहो कर पा। एक पल्ले 40,000 रुपया हमने के ले लेवे दा, 20,000 उम्र से तुम्हें दे देवल जाई, कहीं बढ़िया अच्छा लड़का खोज के शादी कह दा, यही नालायक जो की बिना बियाहले ससुरारी चली आए, और ब्याह भैले पे तो गांव में दौरी नाधे शुरू कर दी। अब चाहे लालच बस या दबाव बस, बाबू साहब राजी हो गए। कहना कि यह वक्त अच्छा तू लोग हट जा, वह खेते में हमारे पंपिंग सेट दिखा थो, वही ठहर खिया पिया के सुताई, और तू लोग पहुँच के रुपया ले लिया, लेकिन जब कहत हुआ तो 20,000 हम के दिया, बात तय हो गई। लेकिन खिड़किया की आड़ में खड़ी होकर लड़किया भीतर से सुनत रह, अरे बिरन पवन बिरन पवन के गोली जल गई, दुल्हन बिरन पवन के गोली Oh, my God.
होने वाला सिंदूर का रमणी का मन मोड़ दिया, सुनकर के पिता डाकू की बात नैहर का नापा तोड़ दिया। जब शरण हमारे आए हैं रक्षा करना काल मेरा, जान बचाना है इनका ये सिंदूर का सिरताज मेरा। लड़की आपने मन में ठान ले लेस हुए वाला पति हमारे, और हम अपने कान से सुन ले ली बाबूजी तो हमारे बड़ा गलत उन्होंने से तय कह ले लगे, लेकर जान मरवाओ बदे महज 20,000 रुपया के लालच। अरे हमारे शादी भलाऊ न हो लेकिन ये बेचारे के जान हम बचाई, चाहे करे बदले में हमारी जान चल जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन हम अगर जान बचाई। अब बाबू साहब खिया पिया के सुते बदे इंतजाम करत हो, एक लड़का बाबू साहब के पल्ले 18-19 साल का, उसे कहेंगे बबुआ पहुना के ले जा पंपिंग सेट पर, रजाई तोशक तकिया सब ले जा, चारपाई है बिछा दिया वही सोती है आराम से, और बचवा तू अपन बैग ले जा आराम से सुता, वहां तेरे को डरिया मत। देखा तू इन्हें सुताए के वहां से चली आया घरे। लड़कवा पूछल के बाबू जी सब यहाँ सुती है पहुना वहां सुती है, कहे कि तू ना जन्म बचवा, जब ले ब्याह न हो तब ले इनके घरे में सुतावे में दोस्त वही लिया जा। पता नहीं देखा खानावा खिया के पापी भेजल परी नवा जुलुम करी ना वही बोरी न के ऊपर खतम करी ना हो खतम करी ना भाई साहब तो सुता दिल उन्हें लेकिन घरे नहीं हिले, गांव में ड्रामा होता ड्रामा देखे लगलन, और वही उनका संगी साथी भेटा गईलन, थोड़ा शराब पिया दिलन, नशे में भूल गईलन, बैठल हो ड्रामा देख रहा हूँ। 12 बज गया, लड़किया के नींद नहीं और न चैन बेचारी के, बेचैनी में घर छोड़ दिलस, निकलल घर में से और जाके उन्हें जगौलस और कहलस कि अपन बैग लेला और तुम्हारे संगे जल्दी से भाग चला, तुहार अब जान चल जाई। बगल में ऊख खेत रल वही में घुस के दोनों मिला बैठलन। रात 12:30 बजल ड्रामा खत्म हो गया, तो भैया जब शराब पी ले रहे डर के मारे घरे नहीं आवत कि चलो तो बाबूजी बिगड़ी हैं, अब नशे के हालत में चल के वही पंपिंग सेट पर पहुना के लगे हम रजाई में घुसब। लेकिन जब पंपिंग सेट पर आयल है न पहुना बन चारपाई खाली पड़ल बन, एक तर्ज भैया
समाचार पाए, पर वही रजाई ओढ़ के सुतला आराम से एकदम ढक के। रात एक जब बजल है तो कहीं बगले वाले गांव में वो सब डाकू रुक के अपन शराब मुर्गा उर्गा कब छान फूक के एकदम मस्ती के साथ अपन गोली भर और के बंदूक में पिस्टल में चलने सब। अरे तबला पांचा डाकू तो ने छबावा वही खेतवा में कैले मन के बिरदा जनी सरवा वही खेतवा में। पापी जब खोजे लगे खजनवा हो पाए नहीं तब पाए नहीं तो ठाकुर को बुलवाए तो ने चनवा हो। अरे पार के मत्ती चीना जब लाल नवा वही खेतवा में गिरे पछा खा के तब ने चनवा वही खेतवा में। सब पहुंच के ऊपर से माजला रजाई के ऊपर से मलना लड़का साफ हुआ और बेग खोजे लगन तो बेग नहीं मिलल। एक ठौरा के बाबू साहब के जगह बोले बाबू साहब चलिए काम हो गया और माल नहीं मिल रहा। माल है कहाँ, बेग कहाँ रखे हो? कभी अपन बेगों को लेके गए हो? अच्छा एक काम करिए जल्दी करिए, चलिए बेग खोजिए और उसमें से अपना हिस्सा ले लीजिए, हम लोग भी अपना हिस्सा लेके जाए नहीं सवेरा हो जाएगा। बाबू साहब बड़की लाइट ले लन पान सेल वाली और जाकर रजाई हटा के जब लाइट बरलन है देखा तो न अपने लड़का मरल पड़ल। अरे करके बाबू लगले जब चिल्लाए हल्ला सुन के डाकू बिल्कुल हो गए परा। शोरगुल सुन के जुटे गंगा के लोगवा भारी भीड़ भई पंपिम से डबे मझा। हले परधान जागे थाने पर खबरिया होते बिहान तब ले आए थाने दार। होते बिहान तब ले आए थाने दार तब ले लो चल बाबू देवा दावाली पसिया। हो गए कई गांव के मनई जुट गई लन। दरोगा जी बैठल हन छानबीन हो रहल हो और संजोग बस जमने बस में डाकू लड़का गेल वो बसिया लवट के आयल। ड्राइवर के कुछ शंका भल भीड़ भाड़ देख के वो गाड़ी सड़क पर खड़ी करके हो गई लन। और वही समय वो लड़की और लड़का दोनों मुखी के खेते में से निकलन। लड़किया लड़कवा का हाथ पकड़ ले ले चली आई जहाँ भईवा सुतावल हल वो लाश के ऊपर गिर के रोए लगल। दरोगा जी प्रधान जी से पूछा था वो कौन है? बोले साहब वो लड़की, वो लड़की जो है वो लड़कवा का बहन है। और चश्मा वाला कौन है? वही तो नया आदमी बुझात बाए हमारे गांव का मनई ना बाए। मैं दोनों को बुलाओ। दोनों बुला के दरोगा जी के लगे प्रधान जी ले अलन। तो लड़की से पूछा था उनकी बेटी चुप रहो कुछ बता सकती हो जो पूछ रहे हैं? हाँ बाबू जी जोन पूछवा सब बताई। ये कौन है चश्मा वाला? ये हमारे होने वाले पति हैं, हमारे बाबू जी इनसे शादी ठीक किए हैं, ये हमको देखने आए हैं, इनके पास कुछ पैसा है और इन्हीं के साथ साथ डाकू सब आए और हमारे बाबू जी इस पैसे के लालच आधे आध पर डाकुओं से
तय कर लिए इनका जान मारने के लिए। और सरकार हम अपने कान से सुन लिया, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम इनको लेके ऊँख के खेत में छिप गई और उसी चारपाई पर आके हमारा भाई सो गया, डाकू सब इसको मार कर भाग गए। अब वहीं तक बाबू साहब गलत बतौले हैं दरोगा जी से। अब दरोगा जी उठ के चार लात बाबू साहब के कसल साझा के लिए लाड कौन से आन का बेटवा कटवा बदे अपने कटवा दिला लगा हाथ पर इसको। और लड़की से पूछा तो उनके अच्छा तो बताओ नैहर में रहोगी कि ससुराल में जाओगी। तो लड़कियां रोए लगल की सरकार अरे हमार मतारी पहले मर गई और बाबू की तो हथकड़ी लगा के ले जात हुआ, एक थे भाई रहल खत्म हो गल, अब तो नैहर हमार उजर गए एकदम रह गल ससुरार। अब वही हमें देखा आल हम प्रसन्न करे आल हमें भी हवा नहीं भल बाब कौने ससुरार जाब तो नहीं हर काम टूट माता हर धन का नाम विवाह विधाता पुजायन कर का विचरा करो बाबा बुजी पुजायन कर का विचरा करो बाबा बुजी पुजायन कर का विचरा करो बाबा बुजी हो तरो जो बाबू जी हो तरो जो बाबू जी कपड़े सनुरवा करो बाबा बुजी हो कपड़े सनुरवा करो बाबा बुजी कहीं रास्ता हमरे दिखाई पड़ते बढ़िया आप ले जाएं ले हम हूं जहर खा के प्राण दे दे बस यही रास्ता हमके सुगम मालूम देते। दरोगा जी कहे कि नहीं घबराओ मत। वो लड़का से पूछ लन कि लड़की तुमको प्रसन्न है देखने आए हो ना, सब बवाल तुम्हारे वजह से हुआ है बोलो। वो कहले कि सरकार सब बात छोड़ दें आप, अब प्रसन्न वाली बात छोड़ दें, ये लड़की हमको इतना पसंद है कि शादी होने के पहले हमारे जिंदगी का मोहब्बत किया हमको बचा दिया। हमारा धर्म है कि सारे जमाना छोड़ जाए मेरे माता पिता छोड़ जाए लेकिन इससे मैं बिना दहेज की शादी करूंगा और इसको छोड़ूंगा नहीं। अब बोला सुन के जी वो गांव के पंचनामा से सबसे समझ के और प्रधान जी से सेंदूर मंगवा के वो लड़का से वो लड़की के मांग में डलवा के अपन जीप देलन चाठे पुलिस देलन प्रधान जी के बैठोलन गाड़ी पर हाँ। ले जाओ सब बता देना इसके बाप से और इस लड़की को कोई तकलीफ न देने पावे आराम से रखेंगे हाँ। गुरु रमन विश्वनाथ हाँ गुरु रमन गुरु विश्वनाथ दरोगा करवाया सिंदूरदान दहेज भी दुल्हन को लेकर चले जीप में जा।